मेरा सर नीचे नहीं करना, क्योंकि आपके चरणों का सौगंध मैं खाता हूं। जो गीता नंबर दान नहीं काम करेगा तो गीता नंबर तो हाथ पकड़ के आपके बीच में काम करवाऊंगा। आप माला पहना दूं मैं? सत्ता पर हाथ खड़ा के कौन पहना दो? देख लो भाई, मेरा सर नीचे नहीं करना। सुनो बहन, छावला वार्ड नंबर 125 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीता नंबरदार के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करने दुर्गा विहार कॉलोनी में पहुंचे दिल्ली के राजनीति का बड़ा नाम महाबल मिश्रा। आपको बता दें कि वहां पहुंचने पर महाबल मिश्रा ने रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया और कार्यालय का निरीक्षण भी किया। महाबल मिश्रा के वहां पहुंचते ही सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया व जोरदार नारे लगाकर उनका अभिनंदन भी किया। भारी मात्रा में पहुंची महिलाओं ने महाबल मिश्रा को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस बार छावला वार्ड में झाड़ू चलेगी और भारी भरकम वोटों से भाई जीता नंबरदार विजय श्री हासिल करेंगे। दुर्गा विहार कॉलोनी के कुछ लोगों से भी हमने बात किया, ये सुनाते हैं क्या कहा है वहाँ के ग्रामीणों ने। विंग कमांडर आर्यन दुबे रिटायर्ड। कौन सी कॉलोनी से है? दुर्गा विहार फेस्टू। आज आपके कॉलोनी में जीता नंबरदार के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप लोग जितना वोट देने वाले 18 साल से उम्र हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपना कीमती भी वोट है किसी के बहकावे में ना करके आप स्वयं वो वोट सही आदमी के दीजिए। क्योंकि ये कहावत है कि घी गिर जाए तो दाल में गिरे, जमीन पर मत गिरे। आपका अमूल्य जो वोट है उस आदमी को जो इसके योग्य हो, जो गांव के लिए, घर के लिए और देश के लिए कार्य करे। अच्छा जी, अभी इसी कॉलोनी से? जी जी जी। क्या क्या विचार है आपका, आपके यहाँ पे उद्घाटन? हमारी आम आदमी पार्टी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसको देखते हुए वोट गिराना है। आम आदमी पार्टी को वोट गिराइए और विजयी दीजिए कि जो रोड नाली बन जाए और जो अभी पानी से वंचित है वो भी कॉलोनियाँ जुड़ जाए। तो जीता नंबर वन के वोट देना बहुत जरूरी है इस इलाका में। क्या कहेंगे जीता नंबर सर को लेकर? झाड़ू जीतेगा। अच्छा जी, पक्का? हाँ जी। हाँ नमस्कार जी, ऐसा है कि जहाँ उन्होंने महाबल मिश्रा ने जो बात कही, MLA और कॉरपोरेटर यदि एक ही पार्टी के होते हैं तो काम आसान होता है। देखिए, अब हम दिल्ली तो नहीं जा सकते अपनी नाली साफ कराने के लिए, साफ तो हमारा जीता नंबरदार ही करवाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस लेवल पर उनको वोट दिया जाए। आप भी दुर्गा विहार से ही हैं? दुर्गा से बिहार से नहीं हूँ मैं, दीनपुर से हूँ। और जी, आप कार्यालय के उद्घाटन में पहुँचे जीता नंबरदार के, क्या पहुँचा हूँ? बिल्कुल पहुँचा, और हमें ऐसा ही पार्षद चाहिए। ये एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, और बिल्कुल विश्वास के साथ हमें इनको जिताना है। और तो यही हमारी सारी नालियों का, सारी कॉलोनी का पूरा विकास करेंगे, और हमें ऐसा ही पार्षद चाहिए। आप भी युवा हैं, जीता नंबरदार के कार्यालय का चुनावी उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? भाई हमें बहुत ही अच्छा लगा, हम अब की बार जीता नंबरदार जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत ही नेक दिल, बहुत ही शरीफ इंसान है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार जीता नंबरदार। आजकल तो बहुत अच्छा रहा वैसे, कर्मठ जुझारू और अच्छे नेता हैं, बोलचाल में भी, सहनशीलता में भी, जो काम के लिए बोला गया है वो काम करके भी दिखाएंगे और करेंगे। हमारे साथ प्रधान है, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ की प्रधान हैं और जीता नंबरदार का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छा लगा। जीता नंबरदार एक घर परिवार से है फिलहाल, और एक सहनशीलता भी है और मानने वाले व्यक्ति है, बहुत माननीय व्यक्ति है, और हम लोग को बहुत खुशी होगी अगर वो निगम पार्षद बनेंगे तो। गली में छोटी छोटी समस्या ना बहुत अच्छे से निदान हो जाएगा। और प्रधान को क्या चाहिए? अच्छा निगम पार्षद, और हम लोग को पार्षद से काम कराना है तो जैसे हमें अच्छा मिलेगा तो क्यों ना हम गली को और कॉलोनी को चमकाएंगे। तो हमें बड़ी खुशी होगी हमारे जीता नंबरदार जी जीतेंगे भारी बहुमतों से, तो हमारे कॉलोनी को जगमगा उठेंगे। लगते हैं जीता नंबरदार आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, बिल्कुल खरा उतरेंगे, बिल्कुल। दुर्गा विहार में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है हमारे साथ जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ के ग्रामीण है, लोकल है, क्या कहेंगे जीता नंबरदार को लेकर? जीता नंबरदार जीतेगा जी। अच्छा जी, बिल्कुल पक्का, 100%। क्या कारण है? कारण है अच्छा आदमी है, बढ़िया पार्टी अच्छी है, सब किम बढ़िया। हाँ जी साहब। हेलो साहब, 100% है। अरे ये मालिक है यहाँ के। हाँ जी आप जी, जीता नंबरदार आज आपके बीच में पहुंचे, महाबल मिश्रा जी भी पहुंचे थे, आश्वासन दिया है कि यदि बीजेपी का ही MLA तो बीजेपी का ही पार्षद आम आदमी पर होना चाहिए ना, इसका आम आदमी का होना चाहिए, आम आदमी का पार्षद है। केजरीवाल के MLA, केजरीवाल का पार्षद? बिल्कुल। आइए जी साहब, केजरीवाल का MLA, केजरीवाल का पार्षद,
हाँ ये बहुत अच्छा होगा काम के कॉलोनी के हित के लिए काम के लिए बहुत अच्छी बात है ये एक ही पार्टी का निगम पार्षद भी हो और ये MLA भी हो। हाँ सब आज के कार्यालय उद्घाटन को लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी आज जितना नंबरदार आपके बीच में पहुंचे थे कार्यालय का उद्घाटन हुआ क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जीतेगा। अच्छा क्या आप जितना नंबरदार को लेकर आपको क्या लगता है आपके कामों पर खरा उतर पाएंगे भाई? ये तो शुरू से ये बढ़िया आदमी है और सब कॉलोनी नेता है। जीता नंबरदार एक बेहद ईमानदार और कर्मठ जिसे कह सकते हैं कार्यकर्ता है, निष्कलंक बिना किसी छवि उसकी छवि जो है बिल्कुल साफ और ईमानदार कार्यकर्ता है। आज पूर्व MP महाबल मिश्रा जी जो उनके समर्थन में आए हैं, महाबल मिश्रा जी एक जमीनी नेता हैं और मैं 37 साल से महाबल मिश्रा जी को जानता हूँ। जब उन्होंने निगम पार्षद के रूप में अपनी राजनीति शुरू की थी तब से लेकर आज तक जिस तरह से उन्होंने काम किया है लोगों की भलाई के लिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए और राजनीति में एक जो कैरियर बनाया है, आज जीता नंबरदार के समर्थन में आने से जीता नंबरदार की जो जीत है वो पक्की हो गई है। आप भी आगे स्थानीय हैं दुर्गा विहार से, यहाँ भी क्या कहेंगे जीता नंबरदार को लेकर? हीरा में है जीता नंबरदार, बस थोड़ा उन्हें बोलना नहीं आता लेकिन उनका काम जो है ना वो बताएगा कि वो क्या है। आप ये लगा लीजिए कि पार्टी में तो आज जुड़े हैं ना ये, लेकिन समाज कार्य में ये कम से कम 10 या 15 सालों से मैं इन्हें जानता हूँ। हीरे को आप ये लगा लीजिए, बस इन्हें तराशना है थोड़ा सा राजनीति में। बाकी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं राजनीति से हटके, इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। दान आप ये लगा लीजिए, कोरोना काल में जब त्रस्त थी जनता, पीड़ित थी, लोगों का इलाज करवाया, फॉगिंग करवाई, इन्होंने ये लगा लीजिए राशन घर घर बांटे, जब भूखे मर रहे थे लोग इन्होंने राशन बांटे बिना अपने किसी स्वार्थ के, फॉगिंग कराई, डेंगू बीच में फैल गया था इन्होंने फॉगिंग कराई, इन्होंने नालियों में जो निगम पार्षद के कार्य होते हैं वो तो ये पहले से ही करा रहे हैं। तो अब की बार आपको बोलने वाला नहीं काम करने वाला चाहिए। भाई बोलने से क्या फर्क है, जनता को तो काम चाहिए ना, और ये तो ऑलरेडी ही निगम पार्षद का काम कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं तो पार्टी से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, ये तो अभी आए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जो कार्य इन्होंने निगम पार्षद का ना होते हुए किया है। आप ये बताइए राशन फ्री में बांटे हैं इन्होंने, कम से कम 50 लाख मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ इसलिए मैं ये जानता हूँ कि कम से कम 50 लाख रुपए का सामान इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कोरोना काल में बांटा है, फॉगिंग कराई है, इन्होंने सैनिटाइजेशन का काम कराया, इन्होंने राशन वितरण किया है बेचारे गरीबों को, भूखों को लंगर लगवाए इन्होंने। आप शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बाहर से आए हैं हम तो यहीं के रहने वाले हैं ना, तो हमें सब कुछ पता है, गरीबों को राशन बांटा इन्होंने, कम से कम 50 लाख रुपए तो मेरी नज़रों के सामने इन्होंने खर्च किए हुए हैं। ये हीरा आदमी है भाई, बात करना नहीं आता इनको, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हीरा आदमी है जी, है ना। हाँ और देखिए लोगों से हमने बात की है दुर्गा विहार के लोगों से, जितने बाजार को लेकर एक ही बात सामने आ रही है, ईमानदार राजनीति और साफ छवि को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं जीता नंबरदार के दुर्गा विहार के कार्यालय में अभी उपस्थित हैं, जो जिसका अभी उद्घाटन करके गए हैं पूर्व में रहे सांसद महाबल मिश्रा जी। आइए बात करते हैं कार्यालय में उपस्थित कुछ लोगों से। जी जीता नंबरदार के आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे जीते के बारे में? जीता एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, गरीबों का सेवा किया शुरू से ही, कोई आदमी गरीब विधवा उसके तरफ आया पहले खाली नहीं गया, सेवा आज से पैसे से हर एक तरह से सेवा की है उसने, वो 20-25 साल से लग रहा, आज तक उसने कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, अच्छा काम किया है, गरीब आया कोई खाली उसके दरबार से नहीं गया, कोई भिखारी हो कैसे हो जैसे पंडित आते बेचारे, कोई गरीब हर एक आदमी सेवा की है उसने, कभी किसी से बगैर स्वार्थ के निस्वार्थ वो किया है काम, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पूरे क्षेत्र में उससे बढ़िया आदमी कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता ना आएगा, 25 साल से इतनी सेवा की उसने बहुत ज्यादा। जी भाई साहब, जी भाई साहब क्या कहेंगे जीता के बारे में? सही कह रहे हैं भाई, जब पानी भर जाता है तो यही सफाई करते हैं, पूरे 3 महीने पानी भरा रहता है, जोड़ पे देखा होगा आपने इसका फोटो भी देखा होगा कई बार, तो उसमें गटर में बढ़ के लेटरिंग वेटरिंग सारी उसमें जाता है, तो हाँ बहुत वायरल हुआ था, तो पूरे एरिया में इससे बड़ा समाज सेवा कोई नहीं है। जी
जमीनी सतह से जुड़े हुए नेता हैं जीता नंबरदार, जो लगातार लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं और हर एक गरीब के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों से बात करते रहते हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।